Hey guys, welcome back again. I'm here again with some interesting DIYs on Rakhi. So, मैंने यहाँ पे एक MDF का बेस लिया है, ठीक है. इस पर सबसे पहले मैं जेसो लगाऊंगी और उसके बाद एक मैंने ब्रदर एंड सिस्टर का आउटलाइन ड्रॉ किया है, ठीक है. देन मैंने फेविक्रिल मोल्डेड की हेल्प से यहाँ पे इनका फेस बना लिया है और नीचे भी मैंने एक पार्ट बनाया है जिस पे मैं लेटर ऑन कलर करके कुछ लिखने जा रही हूँ, ठीक है. अब ये क्योंकि पूरी तरह से सूख चुके हैं तो मैंने इस पे जेसो लगा दिया है, एक कोटिंग जेसो का कर दिया है. एक ही बहुत है, आपको दो या तीन कोटिंग नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होता है MDF का, तो एक कोटिंग ही बहुत है. और उसके बाद अगेन एज यूजुअल मैं इसको थोड़े थोड़े ब्राइट कलर्स से पेंट करना शुरू करूँगी. एज यू ऑल नो आई लव यूजिंग ब्राइट कलर्स इन माई ऑल DIYs. सो इस प्यारे से त्यौहार पे कैसे है ना मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करूँ, ठीक है. ये मैंने छोटा सा ऐसे ही डिटेलिंग बनाया विच आई फाउंड इट वेरी वेरी क्यूट. ओके, तो ब्रदर है, सिस्टर है, हाथ में गिफ्ट लिया हुआ है. आई रियली लाइक डेट. तो ये जो हम बना रहे हैं MDF के बेस पे, इसको आप एज इट इज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इसमें पीछे छोटा सा मैग्नेट लगा के एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे एंड में एक छोटा सा मैग्नेट लगाया है विच इज़ प्योरली ऑप्शनल, ठीक है. अब मैं यहाँ पे रैंडमली मैंने इनका फेस बनाया है. मैंने किसी भी तरह का कोई मतलब ट्रेसिंग नहीं किया है, फ्री हैंड से मैंने सारे डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है. और इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने सिर्फ क्ले के ऊपर नहीं कलर करा, मैंने बाहर भी इनके हेयर्स बनाए हैं कि आपके बाल नीचे लंबे लंबे आ रहे हैं, और जो ब्रदर के भी बाल है वो मैंने साइड से थोड़ा और डिटेलिंग, थोड़ा और हाईलाइटिंग किया है टू गिव इट अ मोर क्यूटी क्यूटी लुक, ठीक है. सो गाइज, एज़ यू ऑल नो अभी हमारे फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने एक साथ चार पांच DIY एक ही में ना रख के ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे DIYs लाती रहूँ और उसके वीडियोस पोस्ट करती रहूँ ताकि आपके लिए भी ये बोरिंग ना हो एक साथ इतना लंबा वीडियो देखना, ठीक है. तो राखी के DIYs में भी मैं कुछ 3-4 DIYs लाऊंगी राखी के ऊपर भी, तो मैं एक एक करके उसे पोस्ट करूंगी. ओके, सो डू स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आई विल बी पोस्टिंग वेरी वेरी क्यूटी एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग DIYs. ओके, सो यहाँ मैंने मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है और मैं छोटी छोटी डिटेलिंग्स दे रही हूँ जिससे कि ये अंदर की तरफ थोड़ा खाली ना लगे. ओके, थोड़ा सा क्यूट सा प्यारा सा लुक दे रही हूँ और रैंडमली डिज़ाइन बनाया है एंड दिस इज़ डन. एंड मे डोंट फॉरगेट टू यूज़ वॉर्निश. Here's the final reveal and मेरा प्यारा सा fresh magnet with happy Rakhi written on it is ready. Do give it a try और अपने brother को अपने हाथों से बना के दीजिए. Do share your feedback, do like, share and subscribe to my channel.